नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। आज हम ट्रेन वाला जो चैप्टर है उसको देखेंगे मैथ में। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो ट्रेन का पूरा चैप्टर जो है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि सभी टाइप के हम इस वीडियो में क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो बच्चों, आपको करना क्या है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड दी हुई है और आपको इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था चाल, समय और दूरी वाला, उसमें आपको बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलना है। एक सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के और क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले करना क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम अभी ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है। तो 72 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होता है, 2 से भाग देते हैं तो 5 आता है और 2 से भाग देते हैं तो 18 आता है। देखो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हमें 5/18 से उसमें गुणा करनी होती है। यानी अगर सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाए तो 72 × 5/18, 18 से जब हम भाग देंगे तो 4 आएगा, 5 और 4 की गुणा जब हम देखो बच्चों करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। लंबाई 150 मीटर है और उस ट्रेन की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। देखो बच्चों, आपको करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी, जैसे मान लीजिए चाहे कोई व्यक्ति हो, ठीक है, व्यक्ति हो, आदमी हो, या पेड़ हो कोई, या कोई पोल हो, ठीक है, या कोई पक्षी हो, ठीक है, किसी पेड़ पर बैठा हो, इन चीजों को ट्रेन को पार करने में जितनी भी दूरी तय करनी होती है वो अपनी लंबाई के बराबर होती है हमेशा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है और यहाँ पर एक व्यक्ति ये खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, इसको जब ट्रेन पार करेगी तो उसे क्या अपने बराबर दूरी उसे तय करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में दी हुई 150 मीटर की ट्रेन है, कितने मीटर की है, 150 मीटर की। जब वह 150 मीटर आगे निकल जाएगी व्यक्ति से तब वह व्यक्ति को पार कर जाएगी। तो हमें पता है कि व्यक्ति को पार करने में, पेड़ को पार करने में या पोल को पार करने में जो दूरी तय की जाएगी ट्रेन के द्वारा वो स्वयं की लंबाई के बराबर होगी। अब देखो हमें पता है कि 150 मीटर की दूरी हमें तय करनी है और स्पीड हमें पता है कितनी है, स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हमें स्पीड पता है, दूरी पता है, तो हम समय निकाल लेंगे आसानी से। लेकिन स्पीड क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी कितने में है, मीटर में है। तो हमें स्पीड को पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करनी होती है। कितने से करनी होती है, 5/18 से। 18 से जब हम इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और 3 और 5 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। ये तो हमारी स्पीड आ गई। उसके बाद पूछा गया है समय, तो समय के निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी को भाग देते हैं चाल से। दूरी है हमारी 150 मीटर और चाल है हमारी 15 मीटर प्रति सेकंड। जब हम 15 से इसको भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 सेकंड, क्या आ जाएगा, 10 सेकंड। 10 सेकंड में वह ट्रेन व्यक्ति को पार कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है और एक सिग्नल को पार करने में वे 12 सेकंड का समय लेती है। कितना लेती है समय बच्चों, इस क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि 12 सेकंड में वह ट्रेन एक सिग्नल को पार कर देती है। सिग्नल क्या होता है, सिग्नल एक पोल होता है, ठीक है। हमने बताया था कि पोल हो, पेड़ हो, या व्यक्ति हो, या चिड़िया हो, तो वह अपनी बराबर दूरी तय करती है। अब हमें ट्रेन की चाल बतानी है। इसमें देखो हम मान लेते हैं ये ट्रेन है हमारी, कितने मीटर की है, 220 मीटर की। उसके बाद हम यहाँ पर मान लेते हैं ये है सिग्नल हमारा, ठीक है, क्या है ये सिग्नल। उसके बाद इस सिग्नल को पार करने में जो समय लगा है ट्रेन को, वो कितना लगा है, 12 सेकंड। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ट्रेन हमारी आगे निकल जाएगी 220 मीटर की। देखो सिग्नल को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी, 220 मीटर। अब दूरी हमें पता है और समय पता है तो हम चाल आसानी से निकाल लेंगे। देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी डी बटे टी। अब इसमें हमें देखो डी पता है और टी पता है तो हम क्या निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे। टी डी की जगह आ जाएगा 220 मीटर और टी की जगह आएगा 12 सेकंड। देखो इसमें मीटर में दूरी दी हुई है और स्पीड दी हुई है
वो समय दिया हुआ है सेकंड में, तो हम इसे सीधे सीधे भाग दे देंगे। 12 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो 6 तो सॉरी 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 110 आ जाएगा ऊपर। उसके बाद 110 को जब हम 2 से और भाग देंगे तो 55 आएगा, और 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, यानी जो चाल आएगी हमारी वो आ जाएगी 55/3 मीटर प्रति सेकेंड। और हमें ये बतानी किसमें है, ये बतानी है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में। किसमें बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा की जाती है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा करेक्ट आंसर आएगा 55/3 18/5। 3 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, और 5 से भाग देंगे तो 11 बार जाएगा। इस प्रकार 11 की और 6 की जब हम गुणा करेंगे तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। देखो आपको करना क्या है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करनी होती है। जब हमने इसमें 18/5 से गुणा की तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाले व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, ठीक है, जबकि ट्रेन की लंबाई दी हुई है 300 मीटर और व्यक्ति और ट्रेन दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, हमको बताना है कि ट्रेन जो है उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, जबकि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति गतिमान है या चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। हम मान लेते हैं ये है हमारा व्यक्ति की जो स्पीड है वो है कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पीछे से एक ट्रेन आ रही है उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ पर आपको एक बात देखनी है, ध्यान रखना बच्चों, क्या करना है कि ट्रेन जो है जब इस व्यक्ति को पार करेगी तो यहाँ तक तो इसकी स्पीड 40 रहेगी, लेकिन जब इसको पार करेगी तो क्या होएगा, सापेक्ष इस गति जो होगी वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वह व्यक्ति भी उसी डायरेक्शन में 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। जब भी आपने कभी देखा होगा बाइक से या किसी चीज से जब किसी दूसरे वाहन का जब ओवरटेक किया जाता है तो ऐसा लगता है कि वो दूसरा वाला वाहन जो है बहुत धीमे चलता हुआ प्रतीत होता है। देखो 40 किलोमीटर जब एक ही डायरेक्शन में दोनों चीजें चलती हैं तो जो सापेक्षिक गति होती है वो इन दोनों के अंतर के बराबर होती है। इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पर जो गति आएगी सापेक्षिक गति जो आएगी दोनों की, ट्रेन की सापेक्षिक गति आएगी व्यक्ति के प्रति कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 40-4 बराबर कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितनी आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसकी लंबाई दी हुई है 300 मीटर। अब देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमें स्पीड पता है, दूरी हमें पता है मीटर में, तो हम इसको पहले मीटर में बदल देंगे। जल्दी से मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बच्चों 5/18 से गुणा की जाती है, तो 18 से भाग देंगे 36 को तो 2 आएगा, तो इस प्रकार 10 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की गति आ जाएगी, सापेक्षिक गति कितनी आएगी 10 मीटर प्रति सेकंड, और दूरी उसको तय करनी है 300 मीटर की, क्योंकि व्यक्ति को पार करने में बराबर दूरी ही तय की जाती है। तो जो समय लगेगा टी बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी है हमारी 300 मीटर और चाल है हमारी 10 मीटर प्रति सेकंड। जब हम 10 से 300 को भाग देंगे तो 30 सेकंड का समय आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, सबसे पहले हमने सापेक्षिक गति निकाली, सापेक्षिक गति निकाली उसके बाद हमने क्या किया कि जो सापेक्षिक गति है उसको हमने मीटर प्रति सेकंड में बदला। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के बाद हमने दूरी को स्पीड से भाग दे दिया, तो हमें समय प्राप्त हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा ये है कि 270 मीटर लंबी ट्रेन है, कितनी लंबी है 270 मीटर लंबी ट्रेन है, 25 किलोमीटर की रफ्तार से वह चल रही है, और सामने से क्या हो रहा है 2 किलोमीटर की स्पीड से कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, और उसको तो बताया पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि उस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। देखो जब भी आप रोड पर होंगे या किसी बस में जाते होंगे तो आपने देखा होगा जब दूसरी बस दूसरी विपरीत दिशा से निकलती है तो ऐसा लगता है कि काफी स्पीड से निकली हो। इसका मतलब ये होता है कि जब विपरीत दिशा में दो वस्तुएं चलती हैं तो उनकी जो सापेक्षिक गति होती है वो क्या होती है, वो जुड़ जाती है। ठीक है, विपरीत दिशा में जब चलती हैं तो जुड़ जाती है, और जब सेम दिशा में चलती हैं तब क्या होता है, घट जाती है सापेक्षिक गति। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखो आपने सुना होगा कि जब प्लस प्लस होता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, माइनस माइनस होता है तो क्या होता है, तो आकर्षण होता है। यानी अगर दोनों एक ही दिशा में आएंगी तो घटेंगी, और विपरीत दिशा में जब चलती हैं तो जुड़ जाती है स्पीड।
अब ट्रेन की स्पीड इसमें दी हुई है कितनी दी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और व्यक्ति की स्पीड कितनी दी है, व्यक्ति की स्पीड दी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो बच्चों आपको करना बस यही है कि दोनों की स्पीड को जोड़ देना है, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो जो सापेक्षिक गति होगी वो हो जाएगी हमारी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको पीएच भी लिख सकते हैं, पर आवर या ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। 27 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड हो गई किसकी, ट्रेन की सापेक्षिक गति। उसके बाद व्यक्ति के प्रति सापेक्षिक गति हो गई 27 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद हमें दूरी पता है और समय निकालना है। दूरी कितनी है, ट्रेन की दूरी है 270 मीटर की, कितनी है 270 मीटर। अब हमें किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड पता है और मीटर में हमें दूरी पता है, तो पहले हम इसको मीटर में बदल लेंगे जल्दी से। मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 27 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अब 18 से जब हम इसको भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो 9 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 9 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। इस प्रकार हमारा आ जाएगा 15/2 मीटर प्रति सेकंड, कितनी आ जाएगी स्पीड 15/2 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें समय निकालना है, तो समय के लिए हमें क्या करना होगा, दूरी को हमें ऊपर रखना है और चाल को हमें नीचे रखना है। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 जो है वो हमारे ऊपर पहुंच जाएंगे, जब हम इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो जो 2 है वो ऊपर पहुंच जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा 270/15 × 2। देखो अब हम भाग देंगे इसे 3 से, 3 से भाग देंगे 5, और 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9 और 0, 3 × 27 और 0 ऐसे, 5 से भाग देंगे तो 18 आ जाएगा। 18 की जब हम गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 36 सेकेंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्पीड मीटर प्रति सेकंड में है, तो इनका जो समय आएगा वो आएगा 36 सेकंड, और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 36। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 270 मीटर की एक ट्रेन है, लास्ट क्वेश्चन में भी 270 मीटर की थी, 270 मीटर की एक ट्रेन है और 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भाई किसी पुल को जो कि 180 मीटर का है उसको कितने समय में पार करेगी। देखो बच्चों हमें करना क्या है, हमें तो सिर्फ एक लाइन बनानी है पहले। ये है हमारा पुल, ठीक है, क्या है पुल, और ये क्या है, ये है हमारी ट्रेन। पुल की जो लंबाई है वो है 180 मीटर, कितनी है 180 मीटर, और ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई है 270 मीटर। अब देखो आपको कैसे पता करना है कि दूरी कितनी तक चलनी है, जब ट्रेन इस पुल को पार करेगी तभी तो दूरी इसकी पता चलेगी हमें। अब देखो ये ट्रेन हमारी है, इस ट्रेन को हमें क्या करना है, इस पुल से आगे निकालना है, तो यहां पर हम इसको जोड़ देते हैं, आगे ट्रेन मान लेते हैं, आगे निकल गई 270 मीटर की ट्रेन है, तो जो कुल दूरी होगी वो कितनी होगी, 180 मीटर और 270 मीटर जुड़ जाएगा। देखो जब भी किसी पुल को पार करना हो, किसी प्लेटफार्म को पार करना हो, तो उस प्लेटफार्म की दूरी या उस पुल की जो दूरी है या लंबाई है वह ट्रेन की लंबाई में जुड़ जाएगी, तो कुल दूरी हमें पता चल जाएगी। तो इस प्रश्न में या इस क्वेश्चन में जो कुल दूरी होगी वो कितनी आ जाएगी, कुल दूरी आएगी इसमें 180 मीटर और 270 को जो हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा हमारा 540 मीटर कितना आएगा, ए सॉरी एक मिनट, 540 मीटर जोड़ लेते हैं, 270 और 180, 0, 8, 7, 15 मतलब, और 2, 1, 3 और 1, 4 आ जाएगा हमारा 450, कितना आएगा 450 मीटर। अब 450 मीटर की दूरी जो है हमें तय करनी है 30 मीटर प्रति सेकंड से। अब देखो वही बात आ गई, समय हमें निकालना है, हमें दूरी पता है कितनी है 450 मीटर है, और स्पीड हमारी कितनी है 30 मीटर प्रति सेकंड, कितनी है 30 मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें हमें करना क्या है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया हमारा कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा इसका 15 सेकंड। अब 15 सेकंड आ गया, कैसे आया, हमने 450 को 30 से भाग दिया, 30 से भाग क्यों दिया, क्योंकि 30 जो है इसकी स्पीड है और कुल दूरी हमारी है 450। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर है, वो 130 मीटर की लंबी एक ट्रेन है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई हमें बतानी। देखो जैसे अभी हमने पीछे वाले सवाल में क्या दिया था कि लंबाई हमें पुल की पता थी, इस क्वेश्चन में हमें पुल की लंबाई निकालनी है, पुल की लंबाई हमें निकालनी है और ट्रेन की लंबाई हमें पता कितनी है 130 मीटर, कितनी है 130 मीटर। दूसरी बात, ट्रेन की हमें गति पता कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरी बात, हमें समय भी पता है। अब हम मान लेते हैं जो
पुल की लंबाई है वो x मान ले या a मान ले, कुछ भी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं पुल की लंबाई जो है, पुल की लंबाई को क्या माने, P मान लेते हैं, ठीक, P से पुल मान लेते हैं सीधे सिंपल। तो पुल की लंबाई में पता है P है और ट्रेन की है 130, तो इन दोनों को मिलाकर जो भी लंबाई होगी वही तो पार करने में लगेगी दूरी, तो जो टोटल दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 130 प्लस P या 130 प्लस X जो भी माने आप। तो फिर हमें आगे क्या करना है, हमें स्पीड पता है और समय पता है, दूरी भी हमें पता है, P का मान हमें निकालना है। इसको हमें बदलना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से गुणा करेंगे, 9 से भाग देंगे 2 आएगा और 9 से भाग देंगे 5 आ जाएगा, तो आ जाएगी गति हमारी आ जाएगी 25/2 मीटर प्रति सेकंड। क्या होगी स्पीड, 25/2 मीटर सेकंड स्पीड आ गई बच्चों इसकी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा को जो हमने बदला तो 25/2 किलोमीटर आ जाएगी इसकी स्पीड। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें स्पीड पता है समय पता है, तब हम क्या करते हैं, देखो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 130 प्लस पी और चाल कितनी है 25/2 और समय भी हमें पता है कितना है 30 सेकंड, तो इसको हम बराबर में लिख देते हैं दूसरी को 30 सेकंड, तो 130 प्लस पी बराबर क्या हो जाएगा 30 गुणा 25/2, 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा, कितना आएगा बच्चों 2 से जब 30 को भाग देंगे तो 15 आ जाएगा और 15 की गुणा में 25 से करनी है, 15 की गुणा जब हम 25 से करेंगे तो कितना आएगा, देखो 15 से 5 बार गुणा करेंगे तो 75 होता है, 7 हमारे कैरी रहेंगे यहां से लेंगे 15 दूनी 30 और 7 37 375। दूसरी साइड हमारा क्या है 130 प्लस पी, अब देखो 130 प्लस पी बराबर है 375, तो पी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 375 माइनस 130, इसको घटा देंगे 5 4 और 2, कितना आ जाएगा P की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 245 मीटर। देखो पुल की लंबाई कितनी होगी, पुल की लंबाई हो जाएगी 245 मीटर। कैसे हमने निकाला, सबसे पहले देखो हमें पता थी ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई हमने मानी P, उसके बाद हमने गति को मीटर प्रति सेकंड में बदला, फिर समय बराबर हमने लगाया दूरी बटे चाल, इसको हमने जब सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारा 245। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक ट्रेन जो है 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार करती है और एक व्यक्ति को जो प्लेटफार्म पर खड़ा है उसको 10 सेकंड में पार करती है, तो आपको यह बताना है कि ट्रेन की चाल क्या होगी या स्पीड क्या होगी। देखो जब हमने माना ये ट्रेन है और ये है प्लेटफार्म, ये क्या है हमारी ट्रेन है, ठीक है, और ये क्या है हमारा प्लेटफार्म है, क्या है प्लेटफार्म, ट्रेन की लंबाई हमें नहीं दी हुई है तो ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, उसके बाद प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें पता है कितनी है 50 मीटर है, कितनी है 50 मीटर। अब जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी चलेगी x प्लस 50 मीटर, क्यों, क्योंकि ट्रेन की लंबाई कितनी है x मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 50 मीटर, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों के योग के बराबर दूरी तय करेगी। दूसरी बात, अगर दूसरी कंडीशन देखी जाए तो क्या है, दूसरी कंडीशन में यहाँ प्लेटफॉर्म पर क्या है एक व्यक्ति खड़ा है, मान लेते हैं ए व्यक्ति है, उस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन के द्वारा जो दूरी चली जाएगी वो कितनी चली जाएगी, वो चली जाएगी एक्स मीटर केवल, क्यों, क्योंकि हमने बताया था बच्चों की ट्रेन को किसी व्यक्ति खंभे या किसी वस्तु को पार करना होता है तो वह अपने बराबर दूरी तय करती है। अब यहाँ बात आती है समय की, देखो दोनों का समय दिया हुआ है, पहले वाले का समय दिया है 14 सेकंड, दूसरे का दिया हुआ है 10 सेकंड, तो हमें करना क्या है, देखो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल, ये पता है आपको, ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। पहली कंडीशन में दूरी है हमारी x प्लस 50 मीटर और चाल हमें निकालनी है, चाल को हम मान लेते हैं s से, ठीक है, स्पीड हमें पता है मान लेते हैं s है, बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है 14 सेकंड, ठीक, पहली कंडीशन क्या है कि 14 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो s की गुणा हो जाएगी 14 में, यानी 14s बराबर हो जाएगा हमारा x प्लस 50, ठीक। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है x बटे s, यानी ट्रेन की दूरी, देखो दूरी बटे चाल, चाल कितनी s है ट्रेन की, बराबर दिया हुआ है 10, तो इससे जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी हमारी 10s, यानी 10 स्पीड। रुक जा एक मिनट, अभी हमें करना क्या है इसमें, देखो सबसे पहले हमें ट्रेन की स्पीड नहीं निकालनी है, यहाँ हमें x की वैल्यू पता चल गई 10s के बराबर है, यहाँ हमें 14s की वैल्यू पता है और x की वैल्यू हमें लगानी है, तो
तो ऊपर वाली इक्वेशन जो में करना क्या होगा, 14s यानी स्पीड बराबर हो जाएगा 10s प्लस 50। अब 10s को जब हम दूसरी साइड लाएंगे, बराबर की दूसरी साइड जब हम ले जाते हैं तो प्लस की चीज माइनस में हो जाती है और जो चीज गुणा में होती है वो भाग में हो जाती है, माइनस की प्लस में हो जाती है। ये प्लस में है, दूसरी साइड आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, यानी 14s माइनस 10s बराबर, ये s है ठीक है, कुछ ये b भी मान सकते हैं आप जिससे कंफ्यूजन ना हो, बराबर हो जाएगा हमारा 50। 14 में से जब हम 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से जब हम 10 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 4s बराबर हो जाएगा हमारा 50, और s की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 50/4 या 25/2 मीटर प्रति सेकेंड, यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 25/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्या है कि 190 मीटर की एक ट्रेन है, एक ट्रेन है 230 मीटर की, कितने की है बच्चों, 190 मीटर की और 230 मीटर की, और कह रहे हैं कि जो पहली ट्रेन है वो 35 किलोमीटर की स्पीड से चलती है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चलती है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और हमें ये बताना है कि तेज चलने वाली जो ट्रेन है वो धीमे चलने वाली ट्रेन को कितने समय में पार कर देगी। मान लेते हैं हम इस तरह से, जैसे मान लेते हैं ये है हमारी पहली ट्रेन ए, इसकी स्पीड है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी लंबाई है 190 मीटर ठीक है। उसके बाद दूसरी ट्रेन हम मान लेते हैं बी, ये है हमारी बी और इसकी स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी दूरी है 230 मीटर, कितनी है 230 मीटर। अब यह ट्रेन जब इस ट्रेन को पार करेगी तो 190 मीटर प्लस 230 मीटर जुड़कर कुल दूरी कितनी हो जाएगी, देखो जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 0, 9 और 3 12 और 2 और 1 3 और 1 4, 420 मीटर, कितनी आ जाएगी कुल दूरी हमारी आ जाएगी 420 मीटर। उसके बाद स्पीड हमें देखनी, देखो जब दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो स्पीड हमने बताई थी क्या हो जाती है, घट जाती है, जब विपरीत दिशा में चलती हैं तब जुड़ जाती है, जब एक ही डायरेक्शन में कोई दो वस्तुएं मूव करती हैं तो उनकी स्पीड सापेक्षिक गति जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है या घट जाती है। तो सापेक्षिक गति जो आएगी, सापेक्ष गति जो आएगी वो कितनी आएगी, 55 में से हमें 35 घटा देने हैं तो आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो हमें स्पीड पता है, दूरी पता है, समय निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम मीटर में दिया हुआ है तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा को, एक मिनट, स्पीड कितनी आ जाएगी हमारी, जो चार आएगी वो आ जाएगी हमारी 20 को गुणा करनी है हमें 5/18 से, किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करते हैं मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 9 आएगा, यानी ऊपर हो जाएगा हमारा 50 और नीचे हो जाएगा 9, ये हो गई हमारी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में। समय निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम समय निकालने के लिए सीधे सीधे 420 मीटर को हम भाग दे देंगे कितने से, 50/9 से, 9 हमारे ऊपर पहुंच जाएंगे, 420 गुणा 9 डिवाइड करेंगे 50 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 42 की गुणा हमें 9 से करनी है और 5 से भाग देना है, देखो 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 40 दशमलव 5 4 20, 9 की गुणा करेंगे 9 4 36, 9 8 72 और 3 75, यानी स्पीड जो आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी 75.6 मीटर प्रति सेकेंड, एक मिनट सॉरी समय आएगा 75.6 सेकेंड, क्योंकि समय निकाला हमने तो समय आ जाएगा 75.6 सेकेंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और एक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन चल रही है, पहली ट्रेन चल रही है 50 की स्पीड से, दूसरी चल रही है 52 की स्पीड से ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा KMPH और दूसरी है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, बच्चों कितनी है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली की लंबाई है 250 मीटर, दूसरी की लंबाई है 260 मीटर ठीक है, कितनी है 260 मीटर। अब हमें ये बताना है कि दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी जबकि वह विपरीत दिशा में चल रही है, और विपरीत दिशा में क्या होता है, स्पीड हमने बताई थी विपरीत दिशा में जुड़ जाती है और अगर एक ही दिशा में होती है तो क्या होती है, तो घट जाती है, और दूरी क्या होगी, दूरी होगी 250 और 260 जब हम जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 510, कितनी हो जाएगी 510 मीटर ठीक है, 510 मीटर हमारी दूरी हो गई और स्पीड हो जाएगी 50 और 52 मिलकर 102 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी हो जाएगी 102 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब हमें स्पीड पता है और दूरी पता है, हमें समय निकालना है। देखो हम सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं इस तरह से, देखो 510 मीटर को हम क्या करेंगे किलोमीटर में बदलेंगे तो 0.510 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि किलोमीटर में बदलने के लिए मीटर को क्या करते हैं 1000 से भाग देते हैं, जब हम इसको 1000 से भाग देंगे तो 0.510 आएगा या 0.51 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें स्पीड पता है 102 है, तो समय निकालने के लिए क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारी है 510 मीटर, तो 0.10 हमने आगे लगा दिया, किलोमीटर बदल गई और स्पीड भी हमें पता है। अब जब हम देखो क्या करेंगे, 1.0 हटाएंगे तो 1, 2, 3 जीरो कितने के बाद लग जाएगा 1, 3 के बाद, ठीक। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 51 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2 आ जाएगा, और तो ये हो जाएगा हमारा 1/200। 1/200 क्या आएगा, ये आएगा घंटे में, और समय सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, एक घंटे में सेकंड होते हैं हमारे 3600। 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से भाग देंगे 18, यानी 18 सेकंड में भाई एक दूसरे को पार कर जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 18 सेकंड। आज की वीडियो में हमने जाना ट्रेन के जो भी संबंधित क्वेश्चन थे वो सभी हमने इस वीडियो में देखे। अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन आपको नहीं कर मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि जब मैथ की सीरीज हमारी समाप्त होगी तो सभी प्रॉब्लम्स को आपकी एक वीडियो में उनको डिस्कस कर दिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।